बोला आपने, आप लोगों ने मुझे पास करा इस जगह पे, फिर तुम कैसा तोड़ रहा है मकान? क्योंकि नहीं, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे से डर हमको। वाले उन, इन्होंने कब देखा कि मेरे शौहर ने पत्थर चलाए? इनके पास कोई सबूत हो तो इनको कहना लाओ सबूत और बताओ, मैं खुद मेरे शौहर को तुम्हारे हवाले करूंगी। ये तो हमने बारह अपनी स्टोरीज में बताया है कि अब मुसलमानों के जान और माल की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि भगवा गुंडे उन्हें किसी न किसी बहाने से अटैक करते हैं। लेकिन खरगोन में जो हुआ उससे ये साबित होता है कि स्टेट के मिशनरीज भी मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को, उनके जान और माल को टारगेट करते हैं। खरगोन मध्य प्रदेश के अमजद खान, जो एक बेकरी चलाते हैं, पिछले कुछ मंथ से मजहब के बुनियाद पर नफरत के वजह से लगातार स्टेट के मिशनरीज के जानिब से अटैक झेल रहे हैं। बीते दिनों उनकी बेकरी फैक्ट्री को 4 महीने के अंदर दूसरी बार डिमोलिश कर दिया गया। पिछली बार अप्रैल में रामनवमी में क्लैश के बाद गवर्नमेंट के जानिब से कई मुसलमानों के घर तोड़े गए, बुलडोज कर दिए गए, जहां उनके भी फैक्ट्री को तोड़ा गया। और फिर बाद में हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने यह कहकर के माफ़ी मांग ली कि गलती हुई, अनजाने में फैक्ट्री को डिमोलिश कर दिया। किसी तरह से वो अपनी फैक्ट्री को दोबारा से रीबिल्ड कर पाए, मगर हुकूमत को ये बर्दाश्त ना हुआ और फिर से उन्होंने दोबारा उनके फैक्ट्री को डिमोलिश कर दिया है। इस डबल डिमोलिशन स्ट्राइक से स्टेट गालिबन ये बताना चाहती है कि अगर किसी मुसलमान का मकान या बिजनेस उनके फूट सोल्जर्स से दंगा में बच जाए तो हुकूमत ऐसे बहाने बना बना करके उसको दोबारा से तोड़ेगी और बर्बाद करेगी। इस वक्त सिविल सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इंसाफ के लिए और इस घोर अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इसके ऊपर चर्चा करें और बात करें। रहते हमारे पास तो घर भी नहीं है, अब हमने कहाँ से लाना घर? अब हमारे पास तो पेट की रोजी थी, वो भी चले गई। ये देखो ये कितना नुकसान कर गए, और नगर पालिका वाले आकर ये सब नुकसान कर गए। इन्हें बिना नोटिस के हमारा तो सब तोड़ दिया, और इन्हें गिरदार और अर्जुन, उन्होंने हमारा नाम डाला, उनके पास क्या सबूत था कि हमने उनके ऊपर पत्थर चोट करी? ये सब नुकसान कर दिया उन्हें हमारा, अब इसकी भरपाई कौन करेगा हमारी? और ये सब तोड़ फोड़ कर दी, और बिना इजाज़त से सरकार से मदद लेके सब तोड़ दी इन्होंने। ये देखो तुम सब दिख रहा है, ये देखो सब दिख रहा है। ये इनको अर्जुन और गिरधारलाल ने हमारे नाम की रिपोर्ट डाली, इनके पास क्या सबूत था कि हमने सबने तोड़ा? ये सब जनरेटर तोड़ के चले गए, सब तोड़ के चले गए, और मेरे आदमी का भी नाम डाल के रखा है। गए पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं ले रहे, और बोल रहे डंडे से भगा देंगे, डंडों से मारेंगे, ऐसा कह रहे पुलिस वाले। इन्होंने कब देखा कि मेरे शौहर ने पत्थर चलाए? इनके पास कोई सबूत हो तो इनको कहना लाओ सबूत और बताओ, मैं खुद मेरे शौहर को तुम्हारे हवाले करूंगी। जिस समय ये सब तोड़ा जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे? अरे आने नहीं दी पुलिस वालों ने, मैं तो उधर भग गई थी, तो पुलिस वालों ने आने नहीं दे इधर, बोले आएंगे तो हम मारेंगे खूब, ऐसा कह रहे। ये सब नुकसान कर गए हमारा, अब ये घर कैसा चलेगा हमारा? हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है, अब हमने कहाँ से लाना घर? अब हमारे पास तो पेट की रोजी थी, वो भी चले गई। कम से कम गैर मुस्लिम औरतें 20-25 औरतें यहाँ काम करती है, अगर तुम चाहो तो मैं उनको गोई देने के। पहले इधर से उन्होंने सफाया करा इधर के मकानों का, मैंने बोला कि मेरा मकान आवास योजना में बना हुआ है, तो क्योंकि बना हुआ है तो क्योंकि क्या करेगी कि सरकारी जगह पे तो तुम्हारा बना है। मैंने बोला आप लोगों ने मुझे पास करा इस जगह पे, फिर तुम कैसा तोड़ रहा हो ये मकान? क्योंकि नहीं, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे से डर हमको। क्योंकि तो इनका मैडम इनका हम जाएंगे का, हमारे पास तो कहीं रहने को है ही नहीं, तो क्योंकि देख लो क्योंकि तुमको तुम्हारे हिसाब से तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, हमको ऐसा बोल दिया, और ज़्यादा बोलने नहीं दे रहे थे, और मिलिट्री के जवान आए तो हम भगाभग लाठी चार्ज कर दी, मार रहे थे यहाँ पर, किधर किधर मार रहे थे। आपको भी मारा? हाँ। Yeah.
सर ये हमें थोड़ा आया हमने बेस्ट बेकरी पर पहुँचे जिला प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ में था। एक्चुअली शहर में जो जिन लोगों ने अनुमति नहीं ली है, बिल्डिंग परमिशन नहीं है, जलकर और अन्य कर नगरीय के भर नहीं रहे और प्रदूषण नियंत्रण की भी कोई इनके पास NOC नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ दिन पहले बेकरी संचालक द्वारा शासकीय हमले से भी अवगत की गई, नायब तहसीलदार के साथ भी अवगत की, वो वाला एक विषय अलग है, वो अलग विषय था। वहाँ पर ऐसी स्थिति आई थी पर उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता, इनके पास अनुमति नहीं थी इसलिए इसके इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कितने हज़ार स्क्वायर फीट में सर अवैध निर्माण, अभी पूरा देखते हैं, अभी तो और अभी कार्रवाई जारी रहेगी, पूरा जब बताएंगे फिर आखिर में कितना कुल निर्माण हटाया गया। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी उल्लंघन, हाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अभी बेकरी वालों को दिए थे, अभी आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा, अखबारों में भी काफ़ी इसकी न्यूज़ आई थी, तो वो लोग भी इनको हटाना चाह रहे हैं, वो लोग भी अलग कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रशासन पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन की कार्रवाई। मजदूरों ने विरोध भी इसमें सब किया था, विरोध नहीं अपनी बात रख रहे थे रोजगार को लेके, सामान्य स्थिति। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।